दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दया भाभी की साड़ी किसने चुराई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जेठालाल मार्केट से आ रहा था तभी रास्ते में उसे सभी महिला मंडल मिलती है। सभी महिला मंडल जेठालाल से पूछती है, क्या जेठा भाई बहुत खुश लग रहे हो? जेठालाल बोलता है, हाँ आज दया का बर्थडे है, उसी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ। फिर जेठालाल बबीता जी से पूछता है, क्या बात है बबीता जी, आजकल अय्यर नज़र नहीं आ रहा है? तब बबीता जी कहती है, हाँ वो दो दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर जेठालाल बोलता है, ठीक है आप सब लोग शाम में आइएगा। ये बोलकर जेठालाल घर चला जाता है। फिर घर पहुंचकर जो साड़ी जेठालाल लाता है वो दया को दे देता है। साड़ी देखकर दया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि आज शाम में इसी साड़ी को पहनूंगी। जेठालाल बोलता है, हाँ इसी को पहन लेना। फिर दया साड़ी को रख कर कुछ काम में बिजी हो जाती है। जब शाम में दया साड़ी पहनने के लिए ढूंढती है तो नहीं मिलती है। दया काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी दया जेठा को आवाज़ देती है कि मैंने साड़ी यहाँ रखी थी, साड़ी कहाँ है? जेठालाल बोलता है, मैंने नहीं देखी तुम्हारी साड़ी। दया बोलती है, आपको साड़ी लाते हुए किसी ने देखी थी क्या? जेठालाल बोलता है, हाँ मैं जब साड़ी लेकर आ रहा था तब नीचे अंजलि भाभी, माधवी भाभी और बबीता जी ने देखी थी। तब दया बोलती है, ठीक है इन तीनों को बुलाकर लाइए, मैं पूछना चाहूँगी कि मेरी साड़ी किसने ली है। तभी जेठालाल सभी को बुलाकर लाता है। सभी से दया पूछती है, आपने मेरी साड़ी ली है? सभी बोलती है, नहीं हम लोगों ने नहीं ली है। फिर दया एक एक करके सबसे पूछती है, अभी तुम लोग क्या कर रही थी? बबीता जी बोलती है, मैं तो अय्यर को खाना दे रही थी। अंजलि भाभी बोलती है, मैं तो बाज़ार चली गई थी सामान लाने के लिए। माधवी भाभी बोलती है, मैं तो सोकर थी। सभी की बातें सुनकर जेठालाल समझ जाता है कि साड़ी किसने चुराई है। तो दोस्तों दया भाभी की साड़ी किसने चुराई दोस्तों, इसका आंसर इसी वीडियो में है दोस्तों। आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आंसर है बबीता जी। आइए समझ लेते हैं, जब जेठालाल साड़ी लेकर आ रहा था तब जेठालाल ने बबीता जी से पूछा था कि आजकल अय्यर नज़र नहीं आ रहा है। बबीता जी बोलती है, अय्यर तो दो दिनों के लिए बाहर गए हैं। और जब दया पूछती है कि तुम कहाँ थी, बबीता जी बोलती है कि मैं तो अय्यर को खाना दे रही थी। अय्यर तो दो दिनों के लिए बाहर है दोस्तों, तो फिर बबीता जी खाना किसे दे रही थी? सभी बातें सुनकर जेठालाल समझ जाता है कि साड़ी बबीता जी ने ही चुराई है। जेठालाल सारी बातें दया को बता देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पहेली आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये पहेली आपको अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि सभी लेटेस्ट पहेली आपको मिलती रहे।